Welcome to the entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. Question says, the practical purpose of classification of living organism is to, देखिए बच्चों हमसे ये पूछ रहा है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रैक्टिकल पर्पस क्या होता है कि अपन उसको क्लासिफाई कर पाएं। देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ तो मैं कैसे क्लासिफिकेशन उसका करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ उस ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले आइडेंटिफाई करता हूँ यार, मुझे पता तो चले वो है कौन, वो लोमड़ी है, भेड़िया है, क्या है। अच्छा अगर मुझे ये पता करना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके करैक्टर्स देखूँगा। जैसे मैंने उस ऑर्गेनिज्म के करैक्टर देखे तो मैं पहचानूंगा साहब ये क्या है, ये लॉयन हाउस या ये बिल्ली है ना, तो उसके करैक्टर देख करके पहचानूंगा। और जैसे मैं पहचानूंगा फिर मैं उसको क्या करूंगा, उसको मैं कैटेगरी में रखूंगा उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चों मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करा, फिर उसके करेक्टर्स मैच करा, फिर उसको क्या कर दिया उसके अकॉर्डिंग उसकी कैटेगरी में रख दिया, मतलब किंगडम फाइलम क्लास उसमें रख दिया। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस क्या है, क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि ये बिल्ली ही है, ये इंसान ही है, ये क्या है। तो अपन कैसे पहचान पाएंगे, बाय क्लासिफिकेशन। इसके आंसर क्या होगा, इसके आंसर होगा ऑप्शन डी, फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, मतलब अननोन ऑर्गेनिज्म को आप आइडेंटिफाई कर पाओ, यही तो बेसिस है हमारे क्लासिफिकेशन करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप विजिटिंग अवर प्लेटफॉर्म entrancetest.online फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो।